आज का प्रातः क्लास है 23 जून 1964 मंगलवार। रिकॉर्ड चला है, बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे, कितना मीठा गीत है, भले ये गीत कोई फिल्म वालों ने बनाया है, वो तो बेचारे अपने नाटक वगैरह हद में बनाए रहे हैं, बेहद की बातों को तो जानते नहीं है। ये गीत वास्तव में कहाँ लागू होते हैं, अब ये मीठे बच्चे तो बेहद के नाटक में पार्ट बजाए रहे हैं ना, बेहद के इस ड्रामा में अब बेहद का बाप अपना पार्ट सन्मुख का बजाए रहे हैं। कौन पार्ट बजाए रहे हैं? बेहद का बाप अपना पार्ट सन्मुख में बजाए रहे हैं। कब है? संगम युग में। क्या बोला है? सन्मुख में पार्ट बजाए रहे हैं। यह 69 में चले गए, सन्मुख का मतलब भी है मुख के सामने। कुछ समझते हैं कि 69 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो बेहद का बाप अब सन्मुख नहीं है, परंतु नहीं, जब तक संगम युग है बाप का वायदा है। क्या वायदा है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। बच्चों का वायदा है श्वासों श्वास साथ निभाएंगे। तुम बच्चों के स्वीट बाबा तुमको स्वीट नजर आते हैं, आत्मा नैनों से सब कुछ जानती है। क्या क्या जानती है? कि नैनों में स्वीटनेस है, रूहानियत है या नहीं है? रूहानियत है तो आत्मा आत्मा भाई भाई की नजर रहती है, और बाप तो बेहद का बाप है ही, क्योंकि आत्मा ही तो सब कुछ है ना। आत्मा इन शरीर के आर्गन से एक दो को देखती है। अभी आत्माएं जो सन्मुख बैठी हैं, वो जानती हैं, जिसके लिए बाप स्वीट चिल्ड्रन कहते हैं, ये तो बाप भी जानते हैं कि मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं। माया ने इनको बहुत कड़वा बनाई दिया। कैसा कड़वा बनाई दिया? घड़ी घड़ी एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वाइब्रेशन से भी झगड़ते हैं, लाल लाल आंखों से भी झगड़ते हैं। तो आंखें स्वीटनेस का परिचय देती हैं क्या उस समय? नहीं,
कड़ुआपन झलकता है। माया ने तुमको कड़ुआ बनाया है। किसको? आत्मा को कड़ुआ बनाया है। सो भी बाप आकर समझाते हैं, तुम कितने सीट हो, और बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो उनको कितना सीट कहते हो, किनको? लक्ष्मी नारायण को अथवा कृष्ण को कितना सीट कहते हो? सीट समझते हो ना? यहाँ देवताओं के पास आकर के कितना उनको सीट नजर से देखते हो? क्या कहाँ मंदिर खुले तो हम सीट देवता का दर्शन करें? अभी है तो वे सीट देवता पत्थर का बना हुआ। कि उसमें आत्मा है, चैतन्य है या पत्थर का है? पत्थर का बना हुआ है। और तुम है, तुम तो चैतन्य हो, तो जरूर जो दर्शन करने जाते हैं वो समझते हैं कि ये पहले कभी सीट होकर के गए हैं, जिनकी यादगार में ये चित्र बनाए हैं, मूर्ति बनाई है। बुद्धि में आता है ये कहां का बादशाह है? सीट स्वर्ग के मालिक थे, ऐसे कहेंगे ना? ये आते हैं ऐसे नहीं कि माया कोई एकदम बुद्धू बनाई देती है, है? इन्हें लक्ष्मी नारायण को जिनके मंदिरों में जाते हैं, इन्हें लक्ष्मी नारायण को माया एकदम बुद्धू बनाई देती है क्या? है कि टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 2500 वर्ष का टाइम लगता है। तो देखो, ये जानते हैं भारत में, जबकि मंदिरों में जाते हैं तो जरूर शिव के मंदिर में भी तो जाएंगे। वो तो बहुत सीट है, बहुत प्रार्थना करते हैं, और उनसे कोई बहुत मांगते हैं, जरूर होकर के गया है और बहुत स्वीट है। स्वीटेस्ट से स्वीट है। स्वीट को समझते हो? बोलो मीठे बच्चे, समझते हो? हम ऐसे मीठे थे, मीठे बाप के बच्चे हैं। वो भारत में आए तो होंगे ना? अब हैं तो सब भारतवासी, जो भी मंदिरों में हैं ये सभी होकर के गए हैं, तब इनका मंदिरों में यादगार बना है, कुछ करके गए हैं ना? गांधी जी की मूर्ति बनाते हैं, शिवाजी की मूर्ति बनाते हैं, क्या साबित होता है? हैं? कुछ करके गए हैं तब तो बनाते हैं। अभी बच्चों को तो कोई भी कुछ भी मालूम नहीं, तुम बच्चों को कोई भी नहीं जानते, बैठकर समझाते हैं कि कौन कौन क्या क्या करके गए हैं, ऐसे तो कोई बता ही नहीं सकता। अभी स्वीट फादर को जानने वाले तो बच्चे ही होंगे, और तो कोई नहीं जान सकते हैं। तो स्वीटेस्ट जरूर कहेंगे कि ये जो निराकार परमपिता परमात्मा है, ये जरूर सबसे स्वीट है, क्योंकि सारी दुनिया में सिर्फ भारत इन पार्टिकुलर और दुनिया इन जनरल है,
उनको कहा जाता है खास और आम। भारत में शिव बाबा की महिमा बहुत है, देखो कितना शिवकाशी कहती रहती हैं। वहां बहुत सन्यासी वगैरह जाकर रहते हैं, वहां बस यही शिवकाशी गंगा, विश्वनाथ गंगे। तुम वहां जाएंगे तो देखेंगे बहुत बोलते हैं शिवकाशी विश्वनाथ गंगा, और बोलते हैं बेचारे जैसे ढेंडरों की मुआफिक, ऐसे ही बिना समझे ट्रां ट्रां करती रहती हैं। ये बाबा सब चक्कर लगा करके आए हुए हैं, ये बाबा जानते हैं, और वो बाबा तो अच्छी तरह से ही जानते हैं। ये बाबा कौन और वो बाबा कौन, कौन बोल रहा है, हैं? किस टाइम की वाणी है, हैं? वाणी तो 64 की है, तो बोलने वाला कौन है, हैं? शिव बाप बोलता है, ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में क्या बोलता है, यह है बाबा। तो यह है बाबा कौन हुआ, ब्रह्मा बाबा, और वो बाबा, वो कह के दूर क्यों कर दिया, अरे ब्रह्मा के तन में ही तो बैठा हुआ है, हैं? ब्रह्मा के तन में शिव नहीं बैठा हुआ है, फिर वो बाबा क्यों कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा के तन में जो बैठा है वो शिव बाप कहें या तो उसे ब्रह्मा है ना, माँ है या बाप है, पार्ट किसका है, माँ का पार्ट है, इसलिए बोला। वास्तव में इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, कोई दूसरी मुरली में बोला है, क्यों नहीं कहेंगे वास्तव में, हैं? क्योंकि बच्चे पहले किसको पहचानते हैं, माँ को पहचानते हैं, तो तुम बच्चों ने ब्रह्मा माँ को पहले पहचाना। या ऐसे कोई होंगे जिन्होंने ब्रह्मा माँ को न पहचाना हो, हैं? कोई डायरेक्ट एडवांस में आ गए हो तो, हैं? पहचाना होगा या नहीं पहचाना होगा, नहीं। अच्छा पूर्व जन्म में नहीं होंगे, हैं? पूर्व जन्म में हुए तो होंगे, तो ब्रह्मा को पहचाना या नहीं पहचाना, पहचाना, तो प्यार लिया माँ का, ऐसा प्यार तो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता, माँ जितना प्यार कोई दे सकता है, हद की दुनिया में भी सबसे जास्ती माँ का प्यार लगता है ना। तो बोला वो बाबा और ये बाबा, इन दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, पूछा है, जानते हैं, उस समय जानते थे, वो बाबा कौन, क्या परम नाम की तरफ इशारा कर दिया, वो तो बाबा है ही नहीं, बाबा किसको कहा जाता है, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता, क्योंकि शिव वो तो बिंदी है और आत्मा भी सब बिंदी बिंदी है, तो बिंदी बिंदी आत्माओं का वो बाप है कौन, शिव ज्योति बिंदु, उसका कोई दूसरा संबंध बनता ही नहीं। वो जब साकार में आते हैं तो पहले पहले माँ के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, बाद में और संबंधों से प्रत्यक्ष होते हैं।
लेकिन यहां तो कहा ये बाबा क्यों कहा? इसलिए कहा कि बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है, तो ये बाबा और वो बाबा। अभी शिव काशी विश्वनाथ गंगा क्या संगम युग में अभी है? शिव काशी कैसे? शिव काशी काशी का नाम क्यों लिया है? ये काशी कौन है? काशी माने तेज, याद का तेज, और काशी माने याद का तेज धारण करने वाली। शिव की बैठ करके कितनी महिमा करते हैं वहां, और अगर कोई इस समय में जबकि दुनिया पतित है और कोई कह दे कि हम शिवो हम, तो बाबा कहते हैं ये कितने मूर्ख बच्चे हैं। क्यों? बाप जानते हैं कि हमारे सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, क्योंकि ये सभी हमारे घर के बच्चे हैं, और ये तो अब जरूर है कि नंबर बार सबको अपना पार्ट मिला हुआ है, और नंबर बार ये स्वीट हैं। देखो नाटक होता है तो कोई को हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, कोई को मिलता है या बहुतों को मिलता है या सबको मिलता है, हैं? कोई को मिलता है अच्छा पार्ट है ना। 36-64 की वाणी का दूसरा पेज, पिछाड़ी में फलाने पार्ट वाले भी होते हैं और नंबर बार पार्टदारी बाद में होते हैं। सामान उठाने वाला, फलाना काम करने वाला, तो उनके ऊपर थोड़े ही किसकी नजर पड़ेगी? क्यों? सामान उठाने वालों के ऊपर नजर नहीं पड़ेगी है? किसके ऊपर नजर पड़ेगी है? जिसका सामान उठाते हैं उसके ऊपर नजर जाएगी। बताओ किसके ऊपर नजर पड़ेगी? जो हीरो एंड हीरोइन होंगे। बच्चे गाते तो हैं बहुत, तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते हैं तो किसके लिए गाते हैं? मंदिर में जाकर किसके सामने गाते हैं है? कौन से मंदिर में? अरे शिव के मंदिर में भी जाकर गाते हैं या नहीं गाते हैं? गाते हैं। क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो शिव के मंदिर में शिव मात पिता है या कोई और भी साथ में है? शिव ही है अकेला कि कोई और भी है? हैं? हाँ माता भी तो है साथ में, माता भी है तो पिता भी है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता। अगर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो भी क्या कहेंगे? तो भी कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये क्या बात हुई है? ये दो दो बेहद के माता पिता हैं क्या? ऐसा है? हैं? दो दो हैं क्या? माता पिता के दो पेयर से हैं? दो तो नहीं हो सकते बेहद के। बेहद के माता पिता तो सारी सृष्टि के एक ही पेयर होंगे, एक ही युगल होंगे। तो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है
वो किसकी यादगार है, और लिंग में जो बिंदु रखा हुआ है वो किसकी यादगार है? हैं? लिंग रखा है वो कोई साकार शरीरधारी की यादगार है, और उसमें जो बिंदु प्रवेश है वो किसकी यादगार है? वो शिव की यादगार है। वो तो हो गया बाप। लिंग है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और उसमें जो बिंदु है वो महात्माओं का बाप है। दोनों बेहद के बाप है। हद के हैं या बेहद के हैं? दोनों बेहद के बाप है। फिर माता कौन है? कार्य संपन्न करने के लिए, नई सृष्टि रचने के लिए किसको आगे किया है? माता गुरु को आगे किया। न कि शंकर जी अकेले स्वर्ग स्थापन कर लेंगे, है? कर लेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? है? है? क्या बोला? धीरे धीरे, याद में है। अरे याद में रहने वाले बच्चे स्वर्ग की स्थापना में सहयोग नहीं दे सकते? फिर शंकर जी के लिए अगर अकेले हैं तो ये क्यों लागू हो गया कि वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते? जब तक माता साथ में न हो। तो अव्यक्त वाणी में क्या डायरेक्शन दिया है? कोई डायरेक्शन दिया? अरे अरे शंकर है तो वो रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। उनके द्वारा तो स्वर्ग की स्थापना का काम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हैं? नहीं, वो सब पुरुष हैं, और इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं हो साहब दुर्योधन दुशासन, कोई कम कोई ज्यादा। परसेंटेज तो होता ही है ना, कि नहीं होता है? परसेंटेज तो होता है। तो साहब दुर्योधन दुशासन है, जो खुद ही दुर्योधन दुशासन है वो स्वर्ग कैसे स्थापन करेंगे? तो फिर किसका आवाहन करने के लिए बोला? विजयमाला का आवाहन करो। तो विजयमाला का इकट्ठा आवाहन करेंगे या विजयमाला की हेड को आवाहन करेंगे? बाबा ने मुरली में बोला, शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, हैं? रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो वो विजयमाला की जो हेड है उसका आवाहन करने के लिए बोला, वो ही माता है। शंकर के साथ कहते हैं पार्वती, वास्तव में वो शंकर की पार्वती है या शिव की पार्वती है? हैं? शिव की शक्तियां कही जाती हैं या शंकर शक्तियां कही जाती हैं? हैं? शिव शक्तियां कही जाती हैं। ऐसी शिव शक्तियां जो मंदिर में यादगार दिखाया हुआ है, वो यादगार को सच्चा साबित करके दिखा दें। क्या ये माया का महावारी महाभारत युद्ध दिखाया है? कहां? शिव बाबा के मंदिर में क्या युद्ध दिखाया है? अरे माया का युद्ध में कौन सा विकार सबसे जास्ती आगे आड़े आता है? काम विकार। और काम विकार में जिस इंद्रिय के लिए गाया जाता है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, तो वो जगत जीत बनने वाले जो भी नंबरवार बच्चे हैं, उन नंबरवार बच्चों ने नंबरवार इंद्रियों पर जीत पाई होगी कि एक जैसी पाई होगी? नंबरवार पर जो हीरो है उसको शिवलिंग के रूप में दिखा दिया, लेकिन वो लिंग शिव नहीं है। शिव इतना बड़ा है क्या? नहीं, शिव तो बिंदु है।
तो वो बिंदु उसमें अगर प्रवेश नहीं है तो जीत नहीं पा सकते। हाँ बाबा कहते तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे नहीं कि प्रवेश करेगा तभी शक्ति मिलेगी, नहीं। क्या कैसे शक्ति मिलेगी? याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी। किस बात की शक्ति मिलेगी? माया से युद्ध करने की शक्ति मिलेगी। तो उस माया के युद्ध करने में पार्वती नाम क्यों दिया है? हाँ, ये विषय वैतरणी नदी कहो, इस संसार को संसार सागर कहो, विषय सागर कहो, इस विषय सागर से पार जाने में वो क्या मदद करती है? हैं? जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो काम कन्याएं माताएं कर सकती है। और कन्याएं माताएं जब अपनी पर उतर आए तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता फिर। क्या वो कितना भी मायावी युद्ध में माया का साथ देने वाले दुर्योधन दुशासन क्यों न बने, लेकिन शिव की शक्तियां फिर भी विजयी होती है। तो बताया मंदिर में जाते तो हैं, गाते तो हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब देखो हीरो एंड हीरोइन माता पिता हुए ना? है हीरो कौन? जिसको आदि देव कहा है, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, मुसलमान आदम कहते हैं, तो वो ही हीरो हो गया इस सृष्टि का। और उसकी जो अब्बल लंबर सहयोगिनी शक्ति बनती है मायावी युद्ध करने में सबसे आगे जाती है, अब्बल नंबर शिव की शक्ति बनती है, वो है हीरोइन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जिसकी इतनी महिमा तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनके सन्मुख तुम अभी बैठे हुए हैं। कहां की बात? सतयुग की, संगम युग की बात है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या कहा? तुम किसको कहा जाता है? सन्मुख बैठे हुए को तुम कहा जाता है। तो जितनी तुम बच्चे महिमा करते हो, तुम बच्चे माने महिमा कौन करने वाले? विजयमाला की मणके हैं? कौन महिमा करते हैं? हैं? रुद्रमाला के मणकों के लिए कहा, तुम बच्चे भक्ति मार्ग में महिमा करते हो मंदिरों में जाकर, और अभी तुम वहां तो महिमा करते हैं, और यहां यहां तुम बच्चे सन्मुख बैठे हुए हो। वो विजयमाला की हेड नहीं बैठी हुई है, कौन सन्मुख बैठे हुए हो? तुम बच्चे सन्मुख बैठे हुए हो। ऐसे क्यों कहा कि तुम बैठे हुए हो और विजयमाला की हेड नहीं सन्मुख बैठी हुई है? ऐसे क्यों कह दिया? है अरे मुरली में बोला, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ही जब बीच में सुन लेता है, तो फिर जो चंद्रवंशी राधा है, चंद्रवंश से आएगी ना, वो फिर इन बातों को कैसे सुनेगी? है ज्ञान जल गंदों के लिए होता है या साफ सुथरों के लिए होता है? है गंदों के लिए होता है। ये भारत के राजाए हैं रुद्रमाला के मणके, किसके बच्चे हैं? है ब्रह्मा के बच्चे हैं, चंद्रवंश के बच्चे हैं, चंद्रमा के बच्चे हैं, कि ज्ञान सूर्य शिव के बच्चे हैं?
ज्ञान सूर्य शिव के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे हैं, सबसे जास्ती पतित ये बनते हैं। तो बोला अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम उनके सन्मुख बैठे हैं, अभी दुनिया के तो सन्मुख नहीं है ना, दुनिया में कौन कौन आ गए हैं? अभी संगम युग में तुम तो सन्मुख बैठे हुए हो, दुनिया के सन्मुख तो नहीं बैठे हैं बाप, तो दुनिया में कौन कौन आ गए हैं? दुनिया में आ गए चंद्रवंशी, दुनिया में आ गए इस्लाम वंशी, दुनिया में बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी और जितने भी वंश वाले हैं वो सारे आ गए दुनिया में, वो सन्मुख नहीं, और तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, वो सन्मुख नहीं है क्योंकि ये इनका अग्निटो है। भला कैसे किसको मालूम पड़े हैं? साकार हो तो मालूम पड़े, निराकार है या साकार है? ये तो निराकार है, गुप्त है, इनका अग्निटो है, उनका तो नाम निशान गुम कर दिया। किनका? जो गुप्त पार्टधारी है उसका तो नाम निशान गुम कर दिया, सिर्फ चित्र मात्र रह गए, बल्कि इसको पता नहीं पड़ता है क्योंकि शिव के पुजारी तो सब होते हैं। बाबा कहते हैं इसने बहुत ही पूजा की है। किसने? किसने पूजा करने में अव्वल नंबर कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसने बहुत पूजा की है, इनको बहुत ही पंडित लोग वगैरह बुलाते रहे, बोलते हैं शिव का घंट बजता है ऐसे ऐसे करो, पीछे शिव का घंट सुनेंगे। ऐसे बंद करने से आवाज तो होता है क्या? घंट बजाएंगे और घंट अचानक बंद कर दें तो कानों में वो घंट की आवाज कुछ देर आती रहेगी या नहीं? आती रहेगी। ऐसे ऐसे वंडरफुल समझाने वाले, क्योंकि तुम सबसे बाप कहते हैं कि इसने बहुत गुरु किए हैं। किसने? ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए हैं। अभी तुम जानते हो ना बरोबर, बस इन जैसा शिव तो कोई नहीं हो सकता है। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा शिव तो, माता पिता जैसा शिव तो कोई नहीं हो सकता। अगर ये स्वीट ना आए तो ये जो कड़वी दुनिया है, रावण राज्य है, पतित पुरानी दुनिया है, पतितों को कोई तो स्वीट नहीं कहेंगे। तो ये समझते हो कि इस समय में, इस सृष्टि में सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी स्वीट नहीं है। भले देखने में बड़े अच्छे अच्छे हैं, सूरत बरोबर सबकी मनुष्य की है, पर सीरत उनकी शैतानों की है, अंदर अंदर शैतानी भरी हुई है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और देखने में आते हैं। किन के लिए बोला? रावण संप्रदाय के लिए? अरे दुनिया वालों के लिए, दुनिया वालों में पहले नंबर किन के लिए बोला? चंद्रवंशियों के लिए बोला कि बाहर से कुछ और हैं, दुनिया देखती है इनका बाहर का रूप तो कुछ और दिखाई पड़ता है और अंदर से कुछ और। एक अव्यक्त वाणी में बोला है जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्या? अंदर से एक और बाहर से दूसरा, जैसे शास्त्रों में किसका उदाहरण दिया है?
नहीं, ये भगवान की और भक्त की बात हो रही है। भस्मासुर भगवान का भक्त था ना, अंदर से एक और बाहर से भक्त दिखाई पड़ता था। अंदर से उसकी भावना क्या थी, आओ हम तुम्हारे ऊपर हाथ रख दें, पहले देखें तुम भस्म होते हो कि नहीं। तो देखो इनकी सीरत शैतानों की है, अभी ऐसे थोड़े ही है कोई अपन को शैतान समझते हैं। फिर इसमें भी बाप बैठ कर ये समझाते हैं, भले अपन को शिवो हम कहते हैं कि हम भगवान हैं, अरे भगवान इतना स्वीटेस्ट और तुम यहाँ इस पति दुनिया में, तुम कैसे अपन को कहते हो कि शिवो हम या हम भगवान हूँ। भगवान तो रचयिता है, भगवान को पतित पावन कहा जाता है, भगवान को तो सब भगत याद करते हैं। तो ऐसे थोड़े ही हो सकेगा कि सभी भगत तो भगवान बन गए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बाप ने आकर के इनका नाम बताया है कि इस समय में इसका नाम हिरण्यकश्यप रावण कंस अकासुर बकासुर ये नाम रखता हूं। क्या कहा, किनका नाम बताया है, बाप ने आकर के इनका नाम बताया है, किनका? अरे तुम्हारा नहीं, दुनिया वालों का नाम बताया है। क्या क्या नाम बताए हैं कि इस समय में इसका नाम है हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, अकासुर, बकासुर, ये बहुत नाम है, जितने भी राक्षसी नाम है सब इनके ऊपर रख दिए हैं। किनके ऊपर? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे नजर आते हैं। अभी वो तो इस समय में है ना, क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है, तो भागवत का कनेक्शन है गीता से, भागवत का कनेक्शन है महाभारत से। क्या भागवत होती है? कब होती है भागवत? अरे गीता से कनेक्शन कैसे? गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो गीता ज्ञान सुनकर के गोपियां भागती हैं, तो भागवत हो जाती है। अरे क्या घरगस्त में रहने वाले ही भागेंगे? जो चंद्रवंश में ढेर की ढेर सन्यासियां सन्यासिनी बैठे हुए हैं वो नहीं भागेंगे? वो भी भागेंगे। तो बोला भागवत का कनेक्शन है गीता से, जब गीता ज्ञान सच्चा सच्चा सुनाया जाता है तो भागवत होती है, भागते हैं, और भागवत का कनेक्शन है महाभारत से। क्या जो अपन को बड़े बड़े आदमी समझते हैं, करोड़पति, लखपति, अरबपति, पद्मा पद्मपति, तो उनको अहंकार रहता है कि नहीं है? उनको बहुत अहंकार रहता है अपनी धन संपत्ति का, माल मिल्कियत का। और उनके घर में से जब भागती है तो उन्हें क्रोध आएगा कि नहीं? बहुत क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि क्रोध में अंधे हो जाते हैं। क्या करने जा रहे हैं? कानून के बरखिलाफ करने जा रहे हैं, समाज की मर्यादा के बरखिलाफ करने जा रहे हैं, कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। समाज का क्या कानून है? अरे भारतीय समाज में क्या कानून है, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, क्या कानून है? है कन्याओं माताओं को स्वतंत्रता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या उनको बांध करके रखना चाहिए? है
अरे कन्याओं को स्वतंत्रता देनी चाहिए, 18 साल के ऊपर हो चुकी हैं, तो कन्या उनको अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, स्वयंवर प्रथा हमारी गायी हुई है। तो समाज के कानून का भी ध्यान नहीं रखते और सरकार का क्या कानून है? है? क्या कानून है? कन्याओं माताओं को बांध के रखा जाए जानवरों की तरह, ये कानून है? नहीं। कन्याएं भी अगर 18 साल से ऊपर की हैं, तो चाहे चाहे जहां जा सकती हैं, उनको रोक टोक कोई कर नहीं सकता। ऐसे सरकारी अर्ध सरकारी या सामाजिक कानूनों को उठा के क्रोध में ताक में रख देते हैं और ईश्वरीय कानून को तो मानते ही नहीं। मानेंगे कब? जानेंगे तब मानेंगे या ऐसे ही मान लेंगे? है? जानेंगे तभी मानेंगे ना। तो बताया कि गीता का कनेक्शन है भागवत से और भागवत का कनेक्शन है महाभारत से, तो महाभारी महाभारत गृह युद्ध हो जाता है। भागवत का कनेक्शन वास्तव में रामायण से भी है। क्या कहा? परंतु उन्होंने उनको दूसरी जगह में डाल दिया है। वशिष्ठ का कनेक्शन रामायण से है, क्योंकि इस समय में ही भारत का जो मुख्य शास्त्र है जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, बस वो एक ही शास्त्र है, गीता। देखो क्राइस्ट का बाइबल एक, मुसलमानों का कुरान एक, सबका अलग अलग नाम है, तो इनका भी तो एक होना चाहिए ना। और वो गाया भी जाता है, सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। फिर भी तो स्वीटेस्ट फादर हो जाता है ना, ऊंचे थे ऊंची श्रीमद् भगवद गीता। और कोई ने लिखा हुआ है कि बाकी जो वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह वगैरह हैं, ये उनके पत्ते हैं। किसके किसके पत्ते हैं? गीता के। मना गीता पहले हुई या वेद शास्त्र पहले हुए? गीता पहले हुई। तो वहां का लिखा हुआ है, यानी पिछाड़ी में वो उनके चिल्ड्रन हैं। अभी तो बाप ने समझाया है ना, शास्त्रों में भी चिल्ड्रन माँ है। वो क्या कहा? जो भी शास्त्र हैं, उनमें माँ कौन है? जो पहला पहला चिल्ड्रन माने बच्चा है या रचना है, पहला पहला रचना माता होती है या बच्चे होते हैं? माता होती है। तो पहला पहला चिल्ड्रन माँ है, माँ श्रीमद् भगवद गीता। कैसे ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे साबित करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता माँ है? और झूठी गीता नहीं, कौन सी गीता? सच्ची गीता, श्रीमद् भगवद गीता। तो कैसे साबित कैसे करेंगे? हैं? अरे गीता से पहला बच्चा कौन पैदा होता है? श्रीमद् भगवद गीता, उसका पहला बच्चा कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण बच्चे की जो पैदाइश है, उसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होती है या नहीं होती है? कैसे? यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, एक माता बोल 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 करने वाली बहुत थी, सच्चाई को पकड़ने वाली नहीं थी, और दूसरी माता बोल बोल कम करती थी और प्रैक्टिकल जास्ती करने वाली थी। तो जो प्रैक्टिकल करने वाली दूसरी माता थी, जिसे छोटी माँ कहें, वो छोटी माँ, उसने ब्रह्मा बाबा को समझाया, उनके कान में बात डाली कि आपके साक्षात्कारों का ये अर्थ है कि
कि आप सतयुग में कृष्ण बच्चा बनेंगे, तो बताओ संगम युग में शूटिंग हुई या नहीं हुई है? यहाँ ज्ञान के बच्चे बनते हैं और वहां वहां स्थूल में बच्चे बनते हैं, कहां? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की दुनिया में जो स्थूल बच्चे बनते हैं उसकी शूटिंग भी कहां हो रही है? अभी संगम युग में हो रही है। तो देखो माँ श्रीमद् भगवत गीता, अब बताओ माँ का पति कौन है? ब्रह्मा कुमार क्या कहेंगे? वो चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमार क्या कहेंगे? माँ का पति कौन है? कौन? ब्रह्मा बाबा को कहती है। ब्रह्मा बाबा को कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा है माँ, और पति कौन? शिव। हाँ, शिव ज्योति बिंदु या शिव बाबा है? शिव बोलते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते रहते हैं, समझते नहीं। बाबा ने तो समझाया मुरली में कि बाबा किसे कहा जाता है, बाप किसे कहा जाता है, माँ किसे कहा जाता है। तो जिसको वो बिंदु को बाबा कहते हैं वो बाबा है वास्तव में है? वो तो बाबा है ही नहीं। तो देखो माता का पति कौन है ये तुम जानते हो, बताओ पति कौन है? हाँ, जिस प्रजापिता में शिव बाप प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो हुआ माता का पति, जो जगत पति के रूप में गाया जाता है, विश्वपति के रूप में गाया जाता है। अभी भी बताया हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ किसे कहते हैं? हैं? अरे काशी में विश्वनाथ किसको कहते हैं? शंकर को ही तो कहते हैं ना, और तो कोई विश्व का नाथ है? कोई स्थूल युद्ध से, हिंसक युद्ध से तो कोई दुनिया में बन ही नहीं सका। तो माता का पति भगवान है। उन्होंने फिर भगवान से जो बच्चा पैदा होता है उनका नाम रख दिया है बायोग्राफी में। किन्होंने? भक्ति मार्ग वालों ने, भक्तों ने किसका नाम रख दिया है? गीता का पति भगवान कृष्ण का नाम रख दिया है। जो कृष्ण बच्चा गीता माता का बच्चा है उसका नाम रख दिया पति। तो देखो दुनिया आज फॉलो कर रही है, क्या फॉलो कर रही है? माताओं के जो भी बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या माता के ऊपर ऑर्डर चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? माता के ऊपर ऑर्डर चलाते हैं, वो भी बात गीता में लिख दी है। यद यद आचरते श्रेष्ठ है तत् तत् देवेतरो जन। जो बड़े लोग जैसा करते हैं, श्रेष्ठ लोग जैसा करते हैं, बाद में आने वाले लोग उसी का आचरण करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो दुनिया ने उसी बात को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो देखो ये कितनी मुझ हो गई है। ऐसे नहीं है कि श्री कृष्ण को कोई स्वीटेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? श्री कृष्ण को स्वीट कहेंगे या स्वीटेस्ट कहेंगे? स्वीट कहेंगे। स्वीटेस्ट कौन है? स्वीटेस्ट शिव बाबा है। शिव बाबा बिंदी रूप में है या कोई साकार में? साकार में ही स्वीट और कड़वा होता है, निराकार में तो न स्वीट होता है न कड़वा होता है, उसे तो निर्गुण कहा जाता है। उसे निर्गुण कहेंगे कि गुणवान कहेंगे, अवगुणवान कहेंगे? नहीं, वो निर्गुण है, निराकार है, अभोक्ता है। इसलिए ये जो टाइटल है वो साकार के हैं। 36-64 की वाणी का तीसरा पेज। तो देखो कृष्ण को स्वीटेस्ट नहीं कहेंगे, फिर भी इनकॉर्पोरियल जो बाबा शिव है उनको ही स्वीटेस्ट कहेंगे। इनकॉर्पोरियल माने है?
नहीं, इनकार पोलियन माने क्या? निराकार। तो निराकार शिव बाबा अभी कहे या नहीं कहे? निराकार अभी कहे या नहीं कहे? हैं? अभी नहीं कहेंगे, सदा निराकार नहीं है। सदा का निराकार अगर है तो फिर वो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला सदैव स्वीटेस्ट ही दिखाई देगा, उनको स्वीटेस्ट कहेंगे। कहेंगे गे का मतलब भविष्य में कि अभी? कहेंगे। तो तुम बच्चे अभी जान करके उस स्वीटेस्ट बाबा से ये स्वीटेस्ट स्वर्ग जिसमें फिर ये श्री कृष्ण राधे या लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी रखी जा रही है, रची जा रही है, जानते हो बरोबर कि स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलीवेड स्वीटेस्ट बनाए रहे हैं। जो जैसा होगा वो वैसा ही बनाएगा या कुछ दूसरा बनाएगा? वैसा ही। चोर होगा तो क्या करेगा? तो चोरी ही सिखाएगा। डकैत होगा तो डकैती सिखाएगा। अच्छा आदमी होगा तो दूसरों को अच्छा ही सिखाएगा। बुरा आदमी होगा तो दूसरों को बुरा ही सिखाएगा। ऐसे तो नहीं है ना कोई लक्ष्मी नारायण बैठ करके ये हूबहू आप समान स्वीटेस्ट बैठ करके ये कहते हैं मैं भी निराकार हूं और तुम भी वास्तव में निराकार हो। ऐसे क्यों कहा? वास्तव में निराकार हो माने? माना ये शरीर तो तुम्हारा ये तमो प्रधान शरीर खलास होगा कि नहीं होगा? खलास हो जाएगा। तुम तो अपने साथ रहने वाले हो, इसलिए देखो शिव के मंदिर में जाएंगे ना, और जब शिवलिंगों की पूजा भी होती है तो शालिग्राम और शिव का भी यज्ञ रचते हैं। बरोबर देखने में आता है कि उनकी पूजा होती है। बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, वो रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो रुद्र यज्ञ में क्या करते हैं? हैं? शिव का रोज चित्र बनाते हैं और हजारों लाखों जितना कोई बोले इतने वो शालिग्राम बनाते हैं। सेठ बोलेगा 1,00,000 शालिग्राम बनाओ तो 1,00,000 बनावेंगे। सेठ बोलेगा 2,00,000 बनाओ तो 2,00,000 भी बनावेंगे। फिर बैठ करके उनकी पूजा करते हैं। बताओ कौन पूजा करते हैं? वो ही ब्राह्मण जो शालिग्राम की स्टेज में स्थिर हुए थे कल्प पहले। हुए थे कि नहीं? हुए थे। वो ही बैठ करके पूजा करते हैं। ब्राह्मण पूजा करते हैं। अभी ब्राह्मण बरोबर पूज्य बनते हैं। कब पूज्य बनते हैं? हैं? पूज्य कब बनते हैं? हैं? शरीर का भान रहता है तब पूज्य बनते हैं, या शरीर के भान से परे चले जाते हैं तब पूज्य बनते हैं? शरीर के भान से परे निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाते हैं तब पूज्य बनते हैं। पीछे तुम पुजारी बनेंगे, फिर बैठ करके शिव बाबा का बड़ा लिंग बनाएंगे और फिर छोटा भी बनाएंगे, बैठ करके पूजा करेंगे। तो उसका नाम ही रखा हुआ है रुद्र यज्ञ। क्यों नाम रुद्र यज्ञ क्यों रखा? नाम शिव यज्ञ क्यों नहीं रखा? नाम शंकर यज्ञ क्यों नहीं रखा? कृष्ण यज्ञ नाम रख देते, वो भी नहीं रखा। रुद्र यज्ञ नाम क्यों रखा? क्योंकि वो रौद्र रूप धारण करते हैं, ऐसा भयंकर रूप धारण करते हैं जिसमें सारी दुनिया की आहुति लग जाती है, सब स्वाहा हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ नहीं, वो सिर्फ रुद्र यज्ञ रचते हैं। क्यों है?
रुद्र यज्ञ का नाम क्यों है इतना है? यहाँ की यादगार है, यहाँ पुरुषार्थ के अंतिम समय में रौद्र रूप धारण करता है रुद्र। रुद्र शिव को कहा जाता है ना, लेकिन शिव ज्योतिबिंदु रुद्र है या शिव का एक ही नाम है? शिव ओ बिंदु का नाम तो एक ही है, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो जैसा जैसा पार्ट बजाते हैं वैसे वैसे उनके नाम रखे जाते हैं। तो बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास मिट्टी आती है। क्या कहा, क्या बनाने के लिए है? शालिग्राम और शिव का लिंग बनाने के लिए बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास मिट्टी आती है। मिट्टी माने है देह अभिमानी की मिट्टी। बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास का मतलब क्या हुआ है? बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास और बड़ी बड़ी थर्ड क्लास का मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े फोर्थ क्लास कैसे, फर्स्ट क्लास कैसे है? अरे कोई तो कारण होगा, ऐसे ही फालतू थोड़े ही बोलते हैं फर्स्ट क्लास। माना जो निरंतर याद में रहते हैं उनका देह अभिमान रूपी मिट्टी कैसी हुई है? फर्स्ट क्लास हुई। और उनका बैठ करके यह करते हैं यज्ञ, तो ये मिट्टी पूजा हुई ना। उनका बैठ करके यह करते हैं, क्या करते हैं है? यह करते हैं, यह क्या करते हैं है? नाम रखा है रुद्र यज्ञ। ऊपर बोला है ब्राह्मण पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में, ब्राह्मण पूजा करते हैं। और पूजा कौन करते हैं? जो पहले कभी क्या थे, पूज्य थे, संगम में पूज्य बने थे। पहले संगम में जो पूज्य बने थे वो ही ब्राह्मण भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, अभी ब्राह्मण बरोबर पूज्य बनते हैं भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं। और अभी वो ही ब्राह्मण जो पूजा करते थे द्वापर में, वो ही अभी क्या बनते हैं? पूज्य बनते हैं। पीछे तुम पुजारी बनेंगी, क्या बोला? पीछे अभी नहीं, जब वो ब्राह्मण पूज्य बनते हैं तब पीछे तुम पुजारी बनेंगी। किसके लिए बोला? गी है, ये किसके लिए बोला? वो तो पूज्य बन गए हैं, बनेंगी ये किसके लिए बोला है? नारी सुलक्ष्मी के लिए। वो पहले पूज्य बनेंगे, पीछे तुम पुजारी बनेंगी, फिर बैठ करके शिव का लिंग बनाएंगे और फिर छोटा भी बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्लास मिट्टी आती है और बैठ करके उनका यह करते हैं। तो ये मिट्टी पूजा हुई ना, मिट्टियों का ये चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं।